नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। झारखंड दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका के परिसदन से आज स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई अभियान की शुरुआत की गई। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी, दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार, पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय के कुलपति, उप विकास आयुक्त वरुण रंजन, इन सभी ने परिसदन की दीवार पर वॉल पेंटिंग की और दमकता दुमका की तस्वीर बनाई। प्रशिक्षु IAS शशि प्रकाश के साथ जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी, जिला के सभी सम्मानित नागरिक गण, विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने परिसदन के स्वामी विवेकानंद चौक, मुख्य बाजार, टीन बाजार होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए दुमका गांधी मैदान में समाप्त हुई एम सभा आयोजित की गई। इसमें कल समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने लोगों से दुमका को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। दुमका में स्वच्छता देखने को मिला, जहां आपके साथ साथ पूरे जिला प्रशासन आज मौजूद है। क्या संदेश दीजिएगा स्वच्छता को लेकर कि दुमका चमकता दुमका नजर आए? मैं आपको, आप सभी को बता दूं कि ये सिर्फ दुमका में ही स्वच्छता अभियान नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन बल्कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और आज का जो दिन है, स्वच्छता ही सेवा है, सेवा दिवस के रूप में भारत सरकार, राज्य सरकार पूरे देश में मना रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आज से 2 अक्टूबर तक हम में से प्रत्येक लोग, चाहे हम जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, अपने अपने क्षेत्रों में या अपने अपने मोहल्ला में, कि हर दिन हम एक एक घंटा समय दें, जागरूक करने के दृष्टिकोण से भी, साफ सफाई के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यह पूज्य बापू जी का कल्पना था कि भारत को स्वच्छ किस तरह से हम बनाएं, और उनका सपना को माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, साकार कर रहे हैं। उनके सपना को साकार करने के लिए देशवासियों का कर्तव्य बनता है और दुमका वासियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने टोले मोहल्ले और हर एक परिवार को हम स्वच्छ रखें। तभी ये सेवा ही, स्वच्छता ही सेवा है, तभी ये साकार हो सकता है। तो हम दुमका वासियों से अपील करते हैं कि हम अपने कूड़े को जगह पर निश्चित रूप से रखें, यहाँ वहाँ ना फेंकें, क्योंकि हम स्वयं से जिस दिन हम शुरू करेंगे तो दुमका चमकता और नमकता निश्चित रूप से दिखेगा। धन्यवाद। उपायुक्त मुकेश कुमार ने भी कहा कि दुमका ना मेरा है, ना SP साहब है, ना मंत्री जी का, यह दुमका आपका है। आपको इसे कैसे साफ सुथरा बनाना है, यह दुमका को किस तरह से दमकता दुमका चमकता दुमका रखना है, कैसे उस गांव की सफाई के स्तर को अचीव कर सके। और यह अभियान जो है केवल हमारे या वाइस चांसलर साहब के आने से और मैडम के आने से और SP साहब के आने से या जितने सम्मानित लोग बैठे उनके आने से बात नहीं बनती है। आप किसी का भी जन्मदिन हो उसको सफाई दिवस के तौर पर मनाएं, घर में शादी हो उस ओकेजन को आप सफाई दिवस के तौर पर मनाएं, कम से कम आसपास मोहल्ले टहल्ले के टोले मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करिए, साफ सफाई कराइए, ताकि हम लोग को हर बार जाकर आपको नॉक नहीं करना पड़े, बताना नहीं पड़े। और ये साफ सफाई जो है आपके ही जीवन को और बेहतर करेगा। इसलिए किसी भी अच्छे दिन को आप चाहें तो एक सफाई का एक बेहतर बहाना बना सकते हैं। और इसके पीछे का मकसद है कि सचमुच में दुमका, जिस दमकता दुमका के नाम से अभियान शुरू हुआ है, आप गौरव से कह सकिए कि हमारा दुमका दमकता दुमका है। आज के दिन की बहुत बधाई, लेकिन कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, हम सब लोग अलग अलग हिस्सों में बच जाएंगे। इस अभियान में शामिल हुए सभी ने दुमका को स्वच्छ दुमका दमकता दुमका बनाने के लिए हाथ में झाड़ू उठाया। धन्यवाद।